इसका पिन कहाँ गया? कैसे लगाऊंगा इसको? इसको छोड़ दो, इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हाँ राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड बोला विथ सेंटर एज ओरिजिन, विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस, विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस, इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेसेस फ्रॉम फोकाई फुल आफ्टर फुल स्टॉप, इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स from the foci are 2 and 5, the distance of one of the vertex, कोई भी एक vertex पकड़ा, उसका distance from two foci are 2 and 5, find, निकालो, hyperbola का equation, hyperbola with center as origin and x-axis as transverse axis, and if distance of one of the vertex from the foci are 2 and 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कितना आया? गेट द वैल्यू फ्रॉम ए एंड बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी।
अच्छा रहेंगे। कोई वर्टेक्स पकड़ा, वर्टेक्स से फोकल के डिस्टेंस 2 एंड 5, रिलैक्स करना वर्टेक्स बी में पकड़ा तो ये डिस्टेंस 2 और इस वाले फोकल से डिस्टेंस अब पता है ये डिस्टेंस कितना होता है, यहां से यहां तक ए, वर्टेक्स तक ए, ये डिस्टेंस कितना हुआ ए बी माइनस ए, दिस इज गिवन एज और ये पूरा यहां से यहां तक ए ए ए और ये ए 5 ये सी बी 1 इज ए एंड सी एस 2 इज ए मतलब 5 है वो है ए प्लस ए बी 1 प्लस डिवाइड कर दो यू गेट ई। एक बार ई आ गया दोबारा किसी भी एक इक्वेशन में रख के यू गेट ए और ए और ई आ गए तो सेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा निकालो फास्ट। दोनों को डिवाइड कर दो ऊपर बचा ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 तो 5e माइनस 5 इज इक्वल टू 2e प्लस 2 3e इज इक्वल टू 7 e इज इक्वल टू 7 बाय 3 किसी भी एक इक्वेशन में रख के गेट द वैल्यू ऑफ a लेट्स से इधर रखा तो a इनटू e माइनस 1 7 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 तो a 7 माइनस 3 4 बाय 3 इक्वल टू 2 तो 1 टाइम टू टाइम a इज इक्वल टू 3 बाय 2 ना अगर b स्क्वायर वाला पावर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर जो भी आएगा वैसा 4x² / 9 फाइनल आंसर इज 4x² / 9 माइनस y² / 10 इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। वेरीफाई करो ये तो दिख रहा है 9a² = 9/4 a³/2 वही है गेट द वैल्यू ऑफ b² √10 सेंटर ओरिजिन है ठीक है इसलिए हमने कहा एक्स रे एक्स ही रहने दिया। देखो नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एस with center at 3, 2 center at 3, 2 focus is 5, 2 focus is 5, 2 and vertex is 4, 2 center focus vertex तीनों का y coordinate same है that means तीन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब कहाँ लाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल हाइपर बोल रही है vertex center focus what is the value of a a kitna hai according to this data a kya hota hai vertex se center ka distance 1 a is equal to 1 aur center se focus ka distance a aur is diagram ke hisab se center se focus ka distance is 2 तो a
1, the d is half. Just you have to find value of d using this formula. बट इधर हम x square upon a square नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोई बताएगा? x minus क्या लिखेंगे? मैंने बोला जब a square आ गया b square आ गया, after that how to write equation of hyperbola? shifted है ना ये, center कहाँ चला गया? तो कैसे बताया था कि जैसे कोई भी curve है, हम ये देखेंगे पहले center, पहले only उसका क्या चीज था? पहले हमें पता है जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसके लिए ये सेंटर इज एट ओरिजिन. अब सेंटर को 5, 2, 3, 2 पर शिफ्ट कर दिया तो क्या करेंगे आप? x को x माइनस 3 से y को y माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे. जो भी इसकी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड वाली उसमें x के लिए x माइनस 3, y के लिए y माइनस 2. इसके लिए अगर होता तो हम लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन ax स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बट इसके लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वॉट एवर ए स्क्वायर इज 1 माइनस y माइनस 2 शिफ्टेड इन लिख टाइप कर बोला y माइनस 2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो भी निकल के आया इक्वल टू 1. इधर से b स्क्वायर निकालना है यूजिंग a एंड बहाना मत ढूंढना रे. मैं गया था मगर गया था तुम्हारी क्लास में ट्यूजडे को 60 क्वेश्चन 100% इलिप्स करना है और उसके बाद ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे को होगी क्लास. इतने दिन है मैं बोला था मतलब टेस्ट के पहले दोनों रिवाइज हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कर देना ये हो गया ऑलमोस्ट. देखो नेक्स्ट परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट एट अ वेरिएबल पॉइंट बी. परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू अ टेंजेंट एट अ वेरिएबल पॉइंट बी. मतलब एक इलिप्स को सॉरी हाइपरबोला है उसमें कोई भी एक वेरिएबल टेंजेंट है किसी कोई पॉइंट बी पे उस टेंजेंट के ऊपर हमने क्या किया सेंटर से फोटो परपेंडिकुलर डाला. ठीक है क्या निकालना लिखो. देन फाइंड लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर. देन फाइंड लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर. मॉडरेट क्वेश्चन है लोकस का सिंपल. हाइपरबोला में कोई भी एक टेंजेंट जनरल टेंजेंट उसके ऊपर सेंटर से फुट ऑफ लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर. जो परपेंडिकुलर खींचा सेंटर से जहां जाके गिरेगा उस पॉइंट का लोकस लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर डायग्राम बना देता हूं. लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर गलत लग रहा है क्या क्वेश्चन? कोई भी हाइपरबोला रेड सिटी से हाइपरबोला पर डायग्राम खींच लेता था बस. इसको कोई भी एक पॉइंट लिया व्हाट एवर लेट्स से मैंने ये पॉइंट इसको मेडियल पॉइंट पी मान लिया. इसको मैंने टेंजेंट खींचा. अब से
सेंटर से इसके ऊपर छोटा परमाणु इस पॉइंट पर लोकस, मतलब इसको एच का मार्किंग से सेंटर से बोला है, फोकस से बोला है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट जनरल टेंजेंट के ऊपर थीटा परपेंडिकुलर का लोकस निकालो। पांच आना चाहिए, कम से कम पांच बच्चे होना चाहिए क्लास में जो कर पाए। Thank you.
square by
square m square plus ये आगे रिकॉर्ड है एक्चुअल के में दूसरी चीज़ तो नहीं आ सका next find the equation of common tangent drawn to x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and y square upon a square minus x square upon b square equals to 1.
5 common delta between these two hyperbolas. These are the two hyperbolas. We have to draw the common tangent. Find equation of common tangent. ये एक दूसरे में रेक्टेंगुलर है क्या? है ना? और क्या लिखवाया था रेक्टेंगुलर के बीच में? कॉमन टेंजेंट नहीं होता. ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि होती नहीं, वो भी टेंजेंट नहीं होती एक्चुअली. तो आंसर नहीं आना चाहिए फिर तो. मतलब आर दिस टू कॉन्जुगेट? नो. क्या बता रहे कॉन्जुगेट के लिए? एक्स स्क्वायर के नीचे जो इधर लिखा है इधर ही वही होना चाहिए. एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है. अगर कॉन्जुगेट होते तो देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल. इसका मतलब अभी आएगा. अब टेंजेंट निकालते कैसे? देखो देखो दोनों के लिए इक्वेशन लिख के दोनों पास बराबर करो. बस दो कर्व के लिए टेंजेंट ऐसे लिखते थे ना, y इक्वल टू mx प्लस c1 और इसका y इक्वल टू mx प्लस c2. अब दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. mx c1 इक्वल टू c2 मेन द वैल्यू ऑफ m. वर्टिकल एलिप्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर ना. तो अल्फा की जगह ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. अब ये इसको टेंजेंट है, ये इसको टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट बोल रहे मतलब ये दोनों लाइन सेम लाइन है. तो मतलब मेक दिस इक्वल्स टू दिस. तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर. एम स्क्वायर का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना आएगा इधर से? और नहीं हो जाएगी सॉल्व तो माइंड पेन चलाने की जरूरत है नहीं किसी को. थोड़ा भी कैलकुलेशन ठीक है तुम लोग का. माइंड हो जाएगी. क्या बच रहा है एम स्क्वायर का वैल्यू? एम स्क्वायर इज वन, एम एस प्लस माइनस वन.
बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, जल्दी कॉपी करो फास्ट। देखो नेक्स्ट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस, इंक्लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला इंक्लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री, मतलब जो टेंजेंट्स है उनके बीच में 45 डिग्री एंगल है। देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Thank you.
Thank you.
क्या बोला उसने कि लेकिन ऐसा बोला इंसान गाली कोई भी एक पॉइंट है जहां से ड्रॉन टेंजेंट के बीच में ट्रू ट्रायंगल इज 45 और इस पॉइंट का लोकस निकाला लेट से एच कम ठीक है ना क्या कर रहे हैं क्वेश्चन मान लेते हैं एक्स को की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट पासेस थ्रू एच कॉमा के तो इसमें एच कॉमा के मैंने रख दिया ओके और इस एम एच को इस साइड लेके आया के माइनस एम एच और फिर स्क्वायर किया तीन स्टेप में एक ही बार कर रहा हूँ इससे क्या मिलेगा मुझे एम में क्वाड्रेटिक मिलेगा चलो लिख लेता हूँ पूरा क्वाड्रेटिक एम स्क्वायर का नेट कोफिशिएंट क्या आएगा इधर से एच स्क्वायर उधर से माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अब एम का कोफिशिएंट इधर से आएगा एम टाइम्स चलो माइनस हो जाएगा माइनस टू के एच एम और कॉन्स्टेंट क्या बचेगा इधर से के स्क्वायर और वो इधर आके प्लस बी स्क्वायर देखो करेक्ट है ना अब मैं एंड में क्वाड्रेटिक चला दैट मींस व्हाट टू सो टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल लेट्स से इसके रूट्स आर m1 एंड m2 एंड दैट विल बी नथिंग बट द स्लोप ऑफ दीस टेंजेंट्स अब एंगल 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू m1 बाय m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस अब क्या करेंगे आई वॉन्ट सम रिलेशन इन एच एंड के अब क्या करेंगे तो 1045 चलो तुम बोला था दोबारा अब क्या करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड है तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 अब क्या करें डिफरेंस ऑफ रूट्स इज क्वाड्रेटिक का इधर रख देते प्लस प्रोडक्ट ऑफ एच ओ के में रिलेशन ऑफ अगर ऐसे नहीं रख पा रहे तो पहले इसको सम ऑफ रूट्स को कन्वर्ट कर लो स्क्वायर करके दोनों साइड चाहे स्क्वायर बोथ द साइड तो दिस विल बी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैं क्वाड्रेटिक में करते थे m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर जस्ट इसके अंदर को मैं क्या रखना है इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट और वो है क्या m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई टू इट इज के एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 सी बाय के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू हैव टू प्लस दीस टू हियर यू गेट रिलेशन एच एन
जी को पूछा, एक साथ सॉल्व करना, बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड कॉमन टेंजेंट, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा टफ नहीं। लिख देता हूँ, कम करता हूँ। फाइंड कॉमन टेंजेंट टू, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू y square is equal to 8x and 3x square minus y square equals to 3. Second question, find tangent to y tangent to x square upon 36 minus y square upon 9 equals to 1, which passes through 0 comma 4, which passes through, which passes through 0 comma 4. Next, prove that two tangents drawn to an ellipse, drawn to an ellipse, x square upon a square plus minus x square equals to 1, from any point of hyperbola x square minus y square equals b square minus b square, makes complementary angle with x axis, makes complementary angle with x axis. Next, prove that product of length of perpendicular, product of length of perpendicular from any point on hyperbola, from any point on hyperbola, from any point on hyperbola to its asymptote, to its asymptote, to its asymptote is constant, is constant, and find this constant, and find this constant. Next, this one, prove that area of triangle formed by, area of triangle formed by any tangent and asymptotes, any tangent and asymptote, any tangent and asymptotes to that area of triangle formed by any tangent and its asymptote is always constant. Any triangle formed by any tangent and asymptote is always constant and
also find this function. And also find this constant. The five question done. Start karo solve karo. ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे तो हमने सीनियर से पूछ लेना, जो अपने अपने स्कूल के टॉपर है ना, वो यहाँ आके अभी ऐसी स्थिति है कि बोर्ड मुश्किल हो रहा है सीबीएसई। मेहनत करो, अभी स्टाइल मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ तो बताओ, पहला वाला किस किसने किया? कॉमन टेंजेंट निकालना तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, हमें पहला बोला। अगर दोनों स्टैंडर्ड कर्व है तो दोनों का एम स्लोप की इक्वेशन लिखो, दोनों का सी बराबर कर दो। अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या करते हैं, कुछ आइडिया? मैंने बताया था उधर, एक्सप्लेन भी किया था। मान लो एक तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया और एक कोई भी कर्व ले लिया, लाइक सपोज की स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे नहीं पता, देन हाउ टू प्रोसीड? कौन बताएगा? चलिए मैंने बोला एक ट्रिक के लिए, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस आई एम टेकिंग दिस x y = लेट्स से 9। आने चलती पड़ेगी नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि सीरीज दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट अभी के लिए मुझे इसका इक्वेशन नहीं पता टेंजेंट का, तो आई कैन नॉट राइट एम स्लोप का इक्वेशन फॉर दिस। देन हाउ टू प्रोसीड, वो भी मैंने बताया था तुम लोगों को, पैराबोला। हाउ टू फाइंड कॉमन इक्वेशन बिटवीन टू कर्व्स, कॉमन टेंजेंट सोचो। तो हाँ,